चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एंसेबल के ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। और दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं ये बहुत ही यूज़फुल है एंसेबल के ऊपर। ये उन बंदों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा जो बंदे आज के डेट में कॉलेज में हैं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, जिनको कॉलेज में कहा जाता है कि आप कोई आईटी में एक प्रोजेक्ट लेके आएँ। तो बंदे एंसेबल पढ़ के और एंसेबल के ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाकर वो अपने कॉलेज में दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दूसरा, ये प्रोजेक्ट उन बंदे के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा जो बंदे अभी लाइव इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं और वो देखना चाहते हैं कि एंसेबल को लाइव इन्वायरमेंट में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है आज का वीडियो, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस आज की वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट में करने क्या वाले हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट में ये करने वाले हैं कि एक ऐसा प्लेबुक हम लोग राइट करेंगे एंसेबल में बैठ के, जो AWS के में जाकर एक कम्प्लीटली पूरा का पूरा सेटअप रेडी कर देगा। बोले तो EC2 इंस्टांस, की पेयर, सिक्योरिटी ग्रुप, VPC, सबनेट, कम्प्लीटली। तो ये जो प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे ये एंसेबल के रोल स्ट्रक्चर टॉपिक का हेल्प लेके हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, एंड ऑफ डे एंसेबल में जो काम होता है, हम लोग जैसे कि एंसेबल का हर एक टॉपिक बाई टॉपिक सारा एंसेबल जब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो इंडस्ट्री में जो होता है वो एक सिंगल सिंगल प्लेबुक नहीं क्रिएट किया जाता। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि सारा काम जो होता है रोल स्ट्रक्चर से होता है। तो जो भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो उसका पूरा एक रोल स्ट्रक्चर बनता है, मतलब वेरिएबल्स कहाँ रखने हैं आपको, टास्क कहाँ रखने हैं, हैंडलर कहाँ रखने हैं, वो काइंड ऑफ एक रोल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो हम लोग भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रोल स्ट्रक्चर का ही यूज करेंगे। रोल स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बना रखा है और अपने गिटहब अकाउंट में अपलोड कर दिया है मैंने उसे एज अ पब्लिक रेपोजिटरी करके। तो कोई भी बंदा उसे लिंक कर सकता है, बोले तो डाउनलोड कर सकता है उस गिटहब के लिंक को, और वहां से वो पूरा का पूरा रोल स्ट्रक्चर यूज कर सकता है और उसमें थोड़ा बहुत काइंड ऑफ अपने नीड के हिसाब से मॉडिफिकेशन करके आप चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लिंक मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। तो लिंक दोस्तों ये है, ये देखिए, ये सारा का सारा मैंने अपलोड किया, आपको कुछ नहीं करना। ये लिंक मेरे पास यहां पर भी पड़ी है, देख सकते हैं ये लिंक है, ये पूरी की पूरी लिंक है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके ये लिंक आप लोग ले लें और इस लिंक को क्या करें, कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद जहां से भी आप, जो भी आपका एंसेबल कंट्रोलर है, जहां से भी आप मैनेज कर रहे हैं, उस मशीन पे चले जाएं। जैसे मेरा एंसेबल कंट्रोलर ये रहा, ठीक है ना, इस मशीन में क्या करें आप, गिट क्लोन करा लें, क्या कर लें, गिट क्लोन बस। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्लोन तभी होगा जब आपके मशीन में गिट का पैकेज होगा। तो गिट का पैकेज इंस्टॉल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चुपचाप से आप यम इंस्टॉल गिट माइनस वाई करें तो गिट का पैकेज आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा, जो भी आपका एंसेबल कंट्रोलर है। यहां पर मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे कोई करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप से मैं यहां पर क्या करता हूं, अब सवाल आता है कि क्लोन करेंगे कहां पर। तो कहीं पर भी क्लोन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एंसेबल के अंदर एक प्री डिफाइंड, बोले तो डिफॉल्ट जो पाथ होता है रोल का, वहां पे ले जाकर आप क्लोन करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप एंसेबल कंट्रोलर में /etc एंसेबल रोल के अलावा किसी और पाथ पे रखते हैं तो फिर आपको एंसेबल की कॉन्फिगेशन फाइल पे जाके वो रोल का पाथ भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं आपसे रिकमेंडेड करूंगा कि आप इधर उधर ना जाएं, उसके डिफॉल्ट पाथ पे चले जाएं जो ETC के अंदर एंसेबल के अंदर रोल है, और यहां जाके क्लोन करें जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने क्लोन किया और ये पेस्ट किया, तो ये देखिए डन। तो देख सकते हैं आप इस रोल के अंदर आए, तो देखिए यहां पर पूरा का पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। यहां पर देखिए टास्क है एंड वेयर है, ठीक है ना। तो वेयर के अंदर यहां पर कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल सेट हैं, उस वेरिएबल को एक बार नजर मारते हैं क्या है। तो एक काम करता हूं, मैं एक डुप्लीकेट सेशन ओपन करता हूं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी अच्छी हो जाएगी। एक एक करके समझते हैं वेरिएबल के अंदर क्या क्या डिफाइन है। तो चलते हैं इस पाथ पे, एंसेबल के अंदर रोल, CD VPC रोल के अंदर गए, CD वेयर्स के अंदर गए, और देखिए main.yaml को ओपन किए। तो देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले देखिए एक वेरिएबल है जिसका नाम है AWS EC2 की।
अब इसकी वैल्यू आपको अपने AWS अकाउंट पे जाकर एक्सेस की वहां से लेके आके यहां पर पेस्ट करनी होगी, ठीक है, ऐसी सीक्रेट की। तो चलिए मैं अपने AWS अकाउंट पे गया, यहां पे जाता हूं और यहां पे माई सिक्योर क्रेडेंशियल पे गया, देन उसके बाद एक्सेस की पे गया, ये ऑलरेडी है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, पहले से जो क्रिएटेड थे मैं एक नया बनाता हूं, सो पे गया और ये एक्सेस की मैंने यहां से कॉपी करनी है। और देखिए तो मैंने जो रोल स्ट्रक्चर अपलोड किया है वेयर के अंदर मैंने कोई एक्सेस की डिफाइन नहीं किया, क्योंकि जब आप लोग इसे क्लोन करेंगे तो आप लोग अपने अपने अकाउंट के एक्सेस की यहां पर मेंशन करिएगा। तो मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये AWS अंडरस्कोर की एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ये रही। अब ये वेरिएबल को हम लोग टास्क के अंदर यूज करेंगे, है ना, जब टास्क रन करेंगे। तो उसके बाद यहां पर AWS सीक्रेट की ये भी एक वेरिएबल है, यहां पर वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी सीक्रेट की, क्लियर। चलिए यहां पर पेस्ट। अब देखिए एक वेरिएबल हमने यहां पे रीजन डिफाइन किया और देखिए वैल्यू क्या है, यूएस ईस्ट 1, ये आप सबको पता है नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन का कोड है। वीपीसी देखिए वीपीसी अंडरस्कोर सीआईडीआर ये वेरिएबल है, उसकी वैल्यू ये रही। वीपीसी अंडरस्कोर नेम ये वेरिएबल है, उसकी वैल्यू ये रही। अब देखिए सबनेट का सेक्शन है, सबनेट अंडरस्कोर नेम ये वैल्यू है, प्रोडक्शन आईफन सबनेट, सबनेट अंडरस्कोर सीआईडीआर ये वेरिएबल है, उसकी वैल्यू ये रही। आईजी डब्ल्यू अंडरस्कोर नेम ये उसकी वैल्यू रही। रूट हाइप अंडरस्कोर नेम ये एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू ये रही। सिक्योरिटी ग्रुप अंडरस्कोर नेम ये वेरिएबल है, उसकी वैल्यू ये रही। EC2 अंडरस्कोर टैग ये एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू ये रही। EC2 अंडरस्कोर की अंडरस्कोर डायरेक्टरी ये उसकी वेरिएबल, ये वेरिएबल है और ये उसकी वैल्यू रही, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम टास्क में यूज करेंगे, सारे वेरिएबल, इसलिए हमने पहले से इसकी वैल्यू यहां पर सेट कर दी है। ये एक वेरिएबल है की पेयर अंडरस्कोर नेम ये उसकी वैल्यू रही, राइट। अब ये सिर्फ वेरिएबल कॉल कहां पे हो रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं। तो ये जो आपका रोल स्ट्रक्चर है, राइट, तो इस रोल स्ट्रक्चर के अंदर आप थोड़ा सा जाएं, तो अभी हम लोग रोल स्ट्रक्चर में कहां पे बैठे हैं, अभी हम लोग वेयर के अंदर है, वेयर से बाहर आइए और टास्क के अंदर जाइए। तो टास्क वाले फाइल को ओपन करिए, main.yaml, तो यहां पर यूज हो रहा है सारा का सारा कुछ, ठीक है ना। तो इस टास्क के अंदर नंबर ऑफ टास्क डिफाइन है, एक एक करके हम सारे टास्क को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला टास्क देखिए यहां पर क्या है, क्रिएट वीपीसी। सबसे पहले टास्क में ये एक टास्क है और ये टास्क क्या कर रहा है, वीपीसी क्रिएट कर रहा है। तो वीपीसी क्रिएट करने के लिए देखिए यहां पर मॉड्यूल क्या है, EC2 अंडरस्कोर वीपीसी अंडरस्कोर नेट, और देखिए यहां पर नेम। अब यहां पर देखिए नेम के आगे इसने कोई स्पेसिफिक नेम हमने यहां पर नहीं लिखा, हमने यहां पे एक वेरिएबल को कॉल किया है। इस वेरिएबल की वैल्यू कहां पड़ी हुई है, ये देखिए पड़ी हुई है, देखिए ये वेरिएबल वीपीसी अंडरस्कोर नेम, देखिए वेरिएबल यहां कॉल हो रही, ये रही वेरिएबल, वैल्यू ये रही प्रोडक्शन हाइफन वीपीसी, पिक कर लेगा। अगली वेरिएबल देखिए, अगली सीआईडीआर अंडरस्कोर ब्लॉक वैल्यू में देखिए हमने वेरिएबल कॉल किया है, वैल्यू डायरेक्टली पुट नहीं किया, इसकी वैल्यू देखिए यहां पड़ी रही है, ये देखिए ये रही वैल्यू। आगे देखिए रीजन, यहां पर भी हमने रीजन का कोई कोड नहीं मेंशन किया, वेरिएबल कॉल किया, वैल्यू कहां रही, ये रही देखिए, देखिए ये वेरिएबल नेम यहां कॉल हो रहा है, वैल्यू यहां से पिक कर लेगा। ऐसी स्टेट प्रेजेंट बोले तो वीपीसी क्रिएट करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखिए AWS अंडरस्कोर एक्सेस की, देखिए ये वेरिएबल है, सॉरी ये एक पैरामीटर है, इसके अगेंस्ट हमने कोई एक्सेस की पॉइंट नहीं किया, वेरिएबल पॉइंट किया है। इसकी वैल्यू देखिए यहां पे छुपी हुई है, देख सकते हैं ये देखिए यहां रखी हुई है। ऐसी अगला देखिए AWS अंडरस्कोर सीक्रेट की, ये भी एक पैरामीटर है जिस पे हमने वैल्यू में कोई डायरेक्टली सीक्रेट की नहीं मेंशन किया, वेरिएबल पास किया, इसकी वैल्यू ये रही। तो ये इंपॉर्टेंस ही है दोस्तों। इसी तरीके से देखिए अब ये देखिए रजिस्टर्ड, अब रजिस्टर्ड आप सबको पता है कि हमने जब रजिस्टर्ड का टॉपिक पढ़ा था कि हमने कोई कस्टम वेरिएबल, एक हम कस्टम वेरिएबल क्रिएट करके उसके अंदर कोई नई वैल्यू पुट करा सकते हैं, तो ये वही है कि ये पूरे के पूरे टास्क का जो आउटपुट होगा वो ये एक वेरिएबल का नाम मैंने मेंशन किया है वीपीसी, इस पूरे टास्क की जो वैल्यू है
इस वेरिएबल पे आके रजिस्टर्ड हो जाएगी, किसकी वजह से, इस पैरामीटर। ये सारी चीजें हमने रजिस्टर्ड के टॉपिक में कवर कर रखी हैं, क्लियर। तो ये रजिस्टर्ड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे ये हमारे लिए हेल्प है ना, काम करेगी। जैसे कि अब देखिए अगला टास्क स्टार्ट हो रहा, अगले टास्क में देखिए क्या लिखा है, सेट वीपीसी आईडी इन द वेरिएबल, मतलब वीपीसी जो पहले वाले टास्क में जो वीपीसी बना है उसकी एक आईडी को ना हमने किसी वेरिएबल पे ऐड करा रहे हैं। देखिए यहां पर क्या है, कह रहा है सेट फैक्ट, फैक्ट मॉड्यूल चल रहा है, और फैक्ट मॉड्यूल जब चल रहा है तो देखिए हमने यहां पर एक वेरिएबल का नाम दिया वीपीसी अंडरस्कोर आईडी, लेकिन इस वेरिएबल पे वैल्यू, वैल्यू कौन सी ऐड करा रहे हैं, देखिए वीपीसी अंडरस्कोर वीपीसी, वीपीसी डॉट वीपीसी डॉट आईडी, बोले तो एक फैक्ट मॉड्यूल चलेगा और बनी हुई वीपीसी की जाके आईडी ढूंढ के लाएगा और आईडी को लाके इस वेरिएबल के अंदर ऐड कर देगा, है ना। अभी आईडी कहां से ढूंढेगा, ये बन चुकी ना पहले वीपीसी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए अगला टास्क क्या है, अगला टास्क अगर आप देखें तो अगला टास्क क्या, देखिए एसोसिएट सबनेट टू द वीपीसी, वीपीसी के अंदर एक सबनेट एसोसिएट कर रहे हैं हम लोग यहां पर। तो मॉड्यूल क्या कॉल हो रहा, देखिए ईसी टू अंडरस्कोर वीपीसी अंडरस्कोर सबनेट स्टेट प्रेजेंट, अब देखिए वीपीसी आईडी, तो वीपीसी आईडी में हमने कोई वीपीसी आईडी कॉल थोड़ी किया, अभी तो वीपीसी बना ही नहीं है ना। तो हमने यहां पर देखिए वेरिएबल पास किया वीपीसी अंडरस्कोर आईडी, तो आप देख सकते हैं कि ये चीज हमने सेकंड वाला मॉड्यूल हमने इसलिए रन किया कि जो वीपीसी पहले बन चुकी है उसकी आईडी फैक्ट मॉड्यूल को चलकर लेके आए और इस वीपीसी, ये वीपीसी अंडरस्कोर आईडी एक वेरिएबल के अंदर रजिस्टर्ड हो जाए और उस वेरिएबल को हम लोग यहां पर कॉल कर लेते हैं, राइट। ऐसे देखिए रीजन सीआईडीआर, सबनेट का सीआईडीआर, देखिए यहां पे नेम हमने पास किया सबनेट अंडरस्कोर सीआईडीआर, वैल्यू कहां पे, कहां पे वैल्यू रखी है दोस्तों, ये रही वैल्यू, देख सकते हैं ये रही। ऐसे देखिए एडब्ल्यूएस एक्सेस की, देखिए यहां पे सीक्रेट की, देख सकते हैं यहां से पिकअप कर रहा है। ऐसी मैप पब्लिक आईपी यस कर दिया हमने, और रिसोर्स टैग, बोले तो सबनेट का नेम, अब सबनेट का नेम जब हमने दिया तो कोई नाम हमने पास किया नहीं यहां पर, वेरिएबल पास किया, ठीक है। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ये रही देखिए प्रोडक्शन हाइफन सबनेट, मतलब प्रोडक्शन हाइफन सबनेट नाम का सबनेट पे टैग लग जाएगा। अब देखिए यहां पर भी हमने इस सबनेट के पूरे आउटपुट को, ये सबनेट जब क्रिएट होगा उसका आउटपुट क्या होगा, इस सबनेट नाम का एक वेरिएबल बनेगा और इस पर रजिस्टर्ड हो जाएगा क्योंकि आगे फर्दर काम आएगा हमारे लिए, है ना। अब नीचे आइए, अब देखिए अगला टास्क, अगला टास्क में क्या, देखिए क्रिएट द आईजीडब्ल्यू, ये आईजीडब्ल्यू क्रिएट कर रहा है, क्या मॉड्यूल कॉल कर रहा है, ईसी टू अंडरस्कोर वीपीसी अंडरस्कोर आईजीडब्ल्यू। देखिए यहां पर वीपीसी आईडी, फिर वही वेरिएबल कॉल हुआ, फिर वही वेरिएबल, फिर देखिए वेरिएबल, देखिए टैग में देखिए क्या हुआ, कोई नाम हमने स्पेसिफिक दिया नहीं, वेरिएबल कॉल किया, इसकी वैल्यू कहां रखी है, देख सकते हैं यहां पर, देख सकते हैं प्रोडक्शन हाइफन आईजीडब्ल्यू, परफेक्ट। चलिए इस आउटपुट को भी हमने क्या किया, एक आईजीडब्ल्यू नाम के एक वेरिएबल पर रजिस्टर्ड किया। अब अगला टास्क क्या है, देखिए अगला टास्क है एक रूट टेबल क्रिएट करेगा ये, तो रूट टेबल क्रिएट करने का मॉड्यूल क्या है, देखिए वीपीसी अंडरस्कोर ईसी टू अंडरस्कोर वीपीसी अंडरस्कोर रूट अंडरस्कोर टेबल, वीपीसी आईडी, देखिए यहां पर आईडी नहीं वेरिएबल कॉल किया, यहां पर भी वेरिएबल कॉल, यहां पर भी वेरिएबल, यहां पर भी वेरिएबल। अब देखिए सबनेट, जब सबनेट ऐड करने की बात आई तो हमने कोई सबनेट नहीं लिखा, हमने वेरिएबल पास किया, देख सकते हैं यहां पर, देख सकते हैं यहां पर ऐसे, देखिए रूट गेटवे, देखिए यहां पर क्लियर। अब ये सारी वेरिएबल, ये देखिए सबनेट डॉट आईडी, ये चीज हमने यहां पे कहीं नहीं डिफाइन किया, लेकिन अब ये वेरिएबल की वैल्यू आ कहां से रही है, तो दोस्तों जो सबनेट अभी पहले बना है ना, ये जो सबनेट हम अभी तक पहले जो सबनेट बना रहे हैं उनके आउटपुट को हमने एक वेरिएबल पे रजिस्टर्ड कर रहे हैं ना, तो ये सब वहीं से फैक्ट करके लेके आ रहा है, राइट। इसी तरीके से अगला टास्क आप देखिए, क्रिएट द सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप का नेम देखिए क्या है, वेब डीएमजी, ठीक है ना, आप अपना नाम यहां पे सेट कर सकते हैं या फिर यहां पे वेरिएबल पास करा लें, यहां पे वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करके, देखिए वेरिएबल कॉल हो रहा है वीपीसी आईडी, देख सकते हैं आप लोग, देखिए पोर्ट्स प्रोटोकॉल वगैरह एडेड है। थोड़ा और नीचे आइए तो देखिए की पेयर क्रिएट कर रहा है ना, की पेयर, तो की पेयर देखिए मॉड्यूल क्या है, ईसी टू अंडरस्कोर की, और देखिए एडब्ल्यूएस अंडरस्कोर एक्सेस की, देख सकते हैं सीक्रेट की पेयर नेम। अब की पेयर नेम देखिए, नाम नहीं दिया है, वेरिएबल पास किया, वैल्यू कहाँ, ये देखिए वेरिएबल, ये वेरिएबल है, वैल्यू क्या है, प्रोडक्शन हाइफन की। रीजन देखिए रजिस्टर्ड, कह रहा है इसके आउटपुट को भी यहाँ पे रजिस्टर्ड कर रहा है, और टैग देखिए। अब अगला देखिए लास्ट क्या है,
कह रहे जो की पेयर बना है वो की आपके लोकल सिस्टम पे कॉपी करेगा। देखिए ये मॉड्यूल कंटेंट वेरिएबल कहां पे कॉपी करेगा, ईसी अंडरस्कोर की अंडरस्कोर डायरेक्टरी, ये एक वेरिएबल है राइट, यहां पर कॉपी करेगा, यहां पर कॉपी इस फोल्डर के अंदर कॉपी करेगा इस नाम से प्रोडक्शन डॉट पैम। अब ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू कहां देख सकते हैं, ये डिफाइन है देख सकते हैं होम के अंदर क्लाउड नॉलेजेस। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपके लोकल लोकेशन में ये फोल्डर एग्जिस्ट होना चाहिए। तो जैसे कि मेरा एनसेबल कंट्रोलर ये रहा ठीक है ना, तो मैं देख लेता हूं भाई होम के अंदर क्या एग्जिस्ट है, नहीं है तो एक यूजर बना लेता हूं मैं, तो अपने आप क्रिएट हो जाएगा। ये ले परफेक्ट, अब एग्जिस्ट हो गया ठीक है, चल क्लियर। उसी के साथ ऐसे लास्ट अगर आप लास्ट का टास्क देखें तो देखिए क्या कर रहा, एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है एएमआई इंस्टेंस टाइप रीजन देख सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप वेरिएबल 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 टैग देख सकते हैं टैग भी क्या प्रोडक्शन। तो ये एक छोटा सा काइंड ऑफ एक प्रोजेक्ट है, इसको रन करते हैं। तो रन करने से पहले मैं इस यहाँ इस वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पर एक्सेस की और सीक्रेट की डिफाइन किया था, इससे भी मैं सेव कर देता हूँ और मैं अब चलता हूँ AWS में, और AWS में नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में मैं जाता हूँ। तो देखिए मेरे पास अभी कोई भी इंस्टेंस अभी नहीं है यहाँ पर, एक है प्रोडक्शन वो भी बंद हो चुका है ठीक है। अब मैं इस रोल स्ट्रक्चर को रन करता हूँ, तो कैसे रन करेंगे आप, एनसेबल रोल के अंदर आ जाएं ठीक है, और रोल के अंदर आप जाएं तो टास्क है आपका वेरिएबल भी है। अब आप टेक्स्ट के अंदर जाएं तो यहाँ पर देखिए एक प्लेबुक भी क्रिएट है, देखिए क्या कर रही है, रोल का नाम भी यहाँ पे पास कर रखा है मैंने ऑलरेडी ठीक है। तो इसे रन करते हैं, कैसे रन करेंगे, एनसेबल हाइफन प्लेबुक टेस्ट डॉट एमल। तो ये जाके AWS में क्या करेगा, वीपीसी क्रिएट करेगा, फिर सबनेट क्रिएट करेगा, फिर सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेगा, फिर की पेयर करेगा राइट, की पेयर को लोकल मशीन पे कॉपी करेगा होम के अंदर क्लाउड नॉलेज के अंदर, फिर उसके बाद एक इंस्टेंस बना देगा राइट, पूरा काइंड ऑफ एक प्रोजेक्ट रेडी कर देगा। चलिए एंटर करते हैं हम लोग इसको, एंटर। देख सकते हैं सारे टास्क एक एक करके चल गया, वीपीसी बन गया, सेकंड वाला टास्क वेरिएबल वीपीसी की आईडी एक वेरिएबल पे ऐड भी हो गई, सबनेट भी एसोसिएट हो गया, आईजीडब्ल्यू भी हो गया, रूट टेबल भी हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप भी हो गया, की पेयर भी बन गया, की पेयर लोकल में कॉपी भी हो गया। अब इंस्टांस क्रिएट हो रहा है लास्ट में, देख सकते हैं आप लोग डन। तो चलिए मैं AWS के कंसोल पे चलता हूं और यहां पे रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं इंस्टेंस आ गया, देख सकते हैं ये देखिए क्लियर। ऐसे अगर आप EC2 पे जाएं तो देखिए की पेयर भी क्रिएट हो गया, देख सकते हैं यहां पर प्रोडक्शन, और ये लोकल में कॉपी भी हो गया होगा, देख सकते हैं अगर मैं यहां पे आया CD करके होम के अंदर गया और क्लाउड नॉलेजेस के अंदर गया तो देखिए यहां पर कॉपी भी हो गया, देख सकते हैं यहां पर प्रोडक्शन डॉट पैन, देख सकते हैं ये ऐसी VPC भी इसने रेडी कर दिया। VPC भी इसने क्रिएट किया है, देख सकते हैं प्रोडक्शन, सबनेट आ जाए, सबनेट भी इसने क्रिएट किया, देख सकते हैं ये देखिए, रूट टेबल पे आ जाए, देखिए रूट टेबल भी इसने क्रिएट कर दिया, IGW पे आ जाए तो देखिए इंटरनेट गेटवे भी इसने क्रिएट कर दिया, सिक्योरिटी ग्रुप में आ जाए तो देखिए सिक्योरिटी ग्रुप भी इसने वेब DMG क्रिएट कर दिया क्लियर।
और इसी तरीके से इसने जो मशीन बनाई है उसको मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो वो मैं वो भी कर सकता हूँ, राइट? क्योंकि उसने की बनाकर मेरे लोकल पे मुझे दे भी दिया है ना, तो कैसे कनेक्ट करेंगे? तो इसकी पब्लिक आईपी आप यहां से कॉपी कर लें, सॉरी इंस्टेंस पे चलते हैं हम लोग। तो रनिंग इंस्टांस पे गया मैं, तो देखिए ये पब्लिक आईपी मैंने यहां से कॉपी किया और यहां पर गया, देखिए की भी मेरे पास इसने कॉपी करके दे दिया है। तो बराबर मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं। पहले मैं सी एच मोड से 644600 की परमिशन दे देता हूं इस की में, परफेक्ट। अब मैं SSH EC2 -user@ और -i की प्रोडक्शन, तो देख सकते हैं मैं इसको कनेक्ट भी कर लिया, देख सकते हैं दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कनेक्ट भी हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था एनसीबल के ऊपर जो AWS में हमने किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है? कॉलेज के बंदे के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और जो बंदे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि हम लोग कोई भी एनसीबल को अगर हम लोग लर्निंग पर्पस पे स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हम लोग उसके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव को देख रहे होते हैं, और लास्ट में एंड ऑफ डे अगर कोई एक प्रोजेक्ट मिल जाए तो काफ़ी क्लियरिफिकेशंस आ जाती है हमारे अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो कॉलेज वाले बंदे के लिए भी हेल्पफुल है, और जो बंदे इंडस्ट्री में अभी लाइव इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं उन्हें भी एक आइडिया मिला होगा कि एनसीबल कितना ज़्यादा यूजफुल है इंडस्ट्री के लिए। इसी तरीके से दोस्तों आप अपने हर एक टास्क एनसीबल के थ्रू कर सकते हैं, और आप सबको पता है कि एनसीबल सिर्फ AWS नहीं, हर एक चीज़ पे सपोर्टेड है, चाहे वो आपके नेटवर्क के फील्ड के डिवाइसेस हो, चाहे वो एजोर क्लाउड हो, चाहे वो गूगल क्लाउड हो, चाहे डॉकर हो, चाहे कुबरनेटिस हो, कहीं पर भी आप एनसीबल के थ्रू ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा, और इस तरीके से हम लोगों ने एनसीबल के थ्रू जो डिप्लॉयमेंट है AWS के ऊपर हमने 7 से 8 वीडियो लेक्चर आई थिंक कर लिया, और सारे एग्जांपल्स हमने लाइव किए हैं, सारे एग्जांपल्स हमने प्रैक्टिकली किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से एनसीबल AWS में फिट बैठता है ना। इसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ देखेंगे कि एनसीबल के थ्रू एजोर क्लाउड में किस तरीके से डिप्लॉयमेंट किया जाता है। तो मैंने सोचा कि कुछ एग्जांपल्स एजोर के ऊपर भी दिखाऊंगा, एनसीबल से हम लोग एजोर के ऊपर कोई रिसोर्सेस वगैरह क्रिएट करके देखेंगे, एटलीस्ट 5 से 6 वीडियो में उस पर भी करके दिखाऊंगा। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग गूगल क्लाउड के ऊपर भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स करके देखेंगे, और डॉकर्स के ऊपर भी करके देखेंगे, कुबरनेटिस के ऊपर भी करके देखेंगे, और एंड ऑफ फाइनली एक बार हम लोग जेनकिंस पाइपलाइन बनाकर भी ये चीज़ें हम लोग कर देखने वाले हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एनसीबल काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और आई थिंक 100 लेक्चर्स इसके ऊपर जाएंगे, और ये जो लेक्चर नंबर है दोस्तों ये है हमारा आई थिंक 59। तो काफ़ी अभी देखा जाए तो 40 लेक्चर्स और बनेंगे एनसीबल के ऊपर, तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और ये पूरा का पूरा एनसीबल का जो कोर्स कैरिकुलम है, पूरा का पूरा वीडियो एक काइंड ऑफ एक प्रोडक्शन और लाइव इन्वायरमेंट के लिए रेडी हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा कोर्स। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोजेक्ट आपको समझ में आया होगा। हाँ एक चीज़ और बता दूँ, जो बंदे अगर डायरेक्टली इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में थोड़ा सा उनको सर के ऊपर से अगर जा रहा होगा, क्योंकि अगर उन्होंने एनसीबल को नहीं पढ़ा होगा तो, क्योंकि आपने देखा कि हमने इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कई बार ऐसे पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जैसे रोल स्ट्रक्चर, तो रोल स्ट्रक्चर्स आप लोगों को नहीं क्लियर हो रहा होगा अगर आपने एनसीबल को नहीं लर्न किया, तो उन्हीं बंदों को ये रोल स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा जो बंदे एनसीबल को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और रोल स्ट्रक्चर के टॉपिक को कवर कर चुके हैं। ऐसे एक और टर्म्स हमने यहां पर देखा, कस्टम वेरिएबल को रजिस्टर करना, तो ये सारे टर्म्स आपको तभी क्लियर होंगे जब आपने पहले से एनसीबल बेसिक वाला कर रखा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और एक नया आइडिया आपको मिला होगा। तो इसी तरीके से हम लोग इस वीडियो को करते हैं यहीं पर स्टॉप, और अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग एनसीबल के थ्रू किस तरह से डिप्लॉयमेंट करते हैं एजोर क्लाउड के ऊपर। तो अगले वीडियो में हम लोग एनसीबल से एजोर क्लाउड के ऊपर डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी।